Good morning. अभी तक हम लोग ये सीखा था जो दाऊद में ऐसा परिस्थिति में था, बहुत तकलीफ में था. उसने अब्सलोम के सामने से भाग गया और उसी परिस्थिति में परमेश्वर ने उसका साथ था. और हमारा जिंदगी में भी ऐसा जो परिस्थिति पे हमारा प्रभु हमारे साथ सदा रहेंगे. हम ऐसा सोचने का नहीं है मैं जो कभी तकलीफ में जाएगा उसी टाइम में मेरा प्रभु मेरे से दूर है, नहीं, वो मेरे साथ है. और वो सोच के मैं हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे बाइबल का जो वचन पढ़ने के लिए. मैं विनती करता हूँ आप सब मेरे साथ एफेशियन का किताब उसका 4वां अध्याय 17 और 18 हम आज पढ़ाई करेंगे. एफेशियन का किताब उसका चैप्टर 4 वर्स 17 और 18. आई लाइक टू गो थ्रू द होल सेक्शन बट वी विल मेक आवर टाइम अवेलेबल और विल सी दैट व्हेन we will be able to completely finish it off, that particular text. If you all got it, that text, Ephesians, Ephesians ka kitab, chapter 4, verses 17 and 18. I'd request all of you stand, because we are sitting for a long time, a little bit, and take your Bible, if those who are able to stand, okay, please, okay. Stand, then we will read also the text. I want all of you to read with me together. We are going to read together. Ephesians chapter 4 verses 17 and 18. I think you all got it, right? Okay. Please start reading that we'll read. Today that we are going to see something very specific, that after Paul said that God, the Lord Jesus, gave some gift to churches, right? Or church. Wo gift parameshwar ka logo ko aur kalisiya mein parameshwar ne ishu ne gift diya, wo gift kaisa istemal karne ka hai. That's what the last session we saw that. और उसके बाद वो पॉल ऐसा आज हमको बात करना चाहते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनने के बाद और एक व्यक्ति नया मनुष्य होने के बाद कैसा जीना है. एक नया सृष्टि होने के बाद हम कैसा जीना है. मैं इसमें ये दो चीज हम देखना चाहते हैं. पहला, ये नया सृष्टि होने के पहले हम लोग कैसा था. पहला, हम नया सृष्टि होने के पहले हमारा हालत क्या था, हम वो देखेंगे. और जो हम वचन पढ़ाई करने के टाइम में अभी भी वो वैसा हमारा जिंदगी में है तो हमारा मन फिराना है. We should repent. और प्रभु के सामने जाके बोलना है, प्रभु अभी तक मैं मसीह में आया है फिर भी मेरा हालत ऐसा है. तो हो सकता है ऐसा हम देखेंगे. आज वही चीज के बारे में हम ज्यादा जानकारी करेंगे. जो पॉल ऐसा शुरू करते हैं उसका जो हम आप जो वजन 18 वजन कैसा शुरू करते हैं आपको आप देखा है उधर पॉल एक बाइबल पॉल ऐसा कहते हैं, नाउ आई से मैं एक
आपको कहता हूं और प्रभु में गवाही भी देता हूं. It's a gewai, it's a command, and also it's a desire from the Lord. It's actually Paul's desire, and also it's a command from the Lord. It says that I gave a command. I say to you this. मैं आपको एक बोलना चाहता है, और मैं प्रभु में आपको गवाही देता भी है. क्यों? He's actually going to talk about this very, very important thing. मतलब जो व्यक्ति जो पॉल बात करते हैं, जो प्रभु पॉल जो कहते हैं, वो पॉल का मन का बात नहीं है. उसने कहते हैं, I am actually giving a testimony, or God is my witness, or I am saying in the Lord, right? मैं मसीह में बात करता हूँ. हम लोग मन में कभी कभी आएगा, खास करके पॉल जो बात करते हैं मसीह से अलग है. नहीं, जो पॉल क्या बात किया वो मसीह के मन के अनुसार बात करते हैं. पॉल, यूहन्ना और कोई भी भविष्यवक्ता लोग और हमारा प्रेरित लोग बात किया, वो सब मसीह के मन के अनुसार बात किया. इसलिए हम बाइबल को एक ही किताब कहते हैं. इसलिए बाइबल से हम कोई भी जगह से बाइबल पढ़ेंगे वो किसका है? परमेश्वर का है. हम ऐसा पॉल ने लिखा है, पीटर ने लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है, सब बोला, फिर भी हम ये मन में रखना है बाइबल परमेश्वर का वचन है. इसलिए पॉल हमको ये कहते हैं जो वो बात करेगा वो पालन नहीं किया तो एक दिन हम मसीह के सामने जाके उसका जवाब देना पड़ता है. That's what serious it is. It is very serious matter. पॉल जो कहता है वो जो बहुत सीरियस है. जो बात वो कहते हैं उसमें हम जी हमारा जिंदगी फर्क करना पड़ता है. वैसा नहीं तो एक दिन प्रभु के सामने हम क्यों नहीं किया, ऐसा किया और देखना पड़ता है. सबसे पहले एक कमांड हमको दिया जाए, वो दिया है हम लोग जो मसीह नहीं है वो लोग के जैसा नहीं जीने का है, राइट? सबसे पहले पॉल ऐसा 17 वचन में बोला है, आई से टू यू दिस एंड आई टेस्टिफाइंग इन द लॉर्ड, यू नो लॉन्गर कंडक्ट योर लाइफ जस्ट लाइक द नेशंस. इज माई ट्रांसलेशन. That you say Bijou's translation. Okay. So we will look at that. I testify to you. Paul aisa kehte hai, main aapko kehta hu aur prabhu mein witness bhi deta hu, tum log jati log ke saman nahi jeene ka. Believer's life is not like a life of a Gentile. अभी जो विश्वासी जो मसीह के अंदर वो परमेश्वर में कोई आया, मतलब एक नया सृष्टि हुआ है. पॉल अभी तक बात किया हम मसीह में नया सृष्टि है. जो पहले आदम में हम पुराना सृष्टि था, वो नया आदम में, वो आखिरी आदम में हम नया सृष्टि हुआ है. इसलिए हम नया आदम का आदत से जीना है, नॉट लाइक द ओल्ड एडम. हम अभी इधर पूछेंगे बाइबल में पॉल जो पूरा जो जाती लोग है, मतलब मसीह में नहीं है, वो लोग कैसा जीते हैं, वो लोग का प्रॉब्लम क्या है. सबसे पहले वो पॉल हमको ये कहते हैं, सबसे पहले वो बोला ऐसा नहीं जीने का है. कैसा? देख, सबसे पहले तुम लोग वैसा नहीं जीने का. योर लाइफ शुड नॉट बी लाइक दैट. मैं इसलिए बोला आज हम जो वचन मनन करते हैं उसी टाइम में अभी भी मेरा जिंदगी ऐसा है तो मैं अभी तक मसीह पे आया नहीं है. आपने चर्च पे आया, अच्छा है, प्रार्थना करते हैं, अच्छा है, फिर आपका जिंदगी से कुछ फर्क नहीं तो
अभी जो मैं आपको बताएगा वो उसमें से बरक नहीं तो थोड़ा परेशान. Are you with me? Right. Let's go again. What does actually Paul says about that? First of all, Paul says, do not, they actually leave, those people who are not having come to Christ, or those who are not come to the knowledge of Jesus Christ, those who are not become a new creation in Christ, they walk in the futility of their mind. जो मसीह में आया नहीं है, जो अभी तक यीशु पर नया सृष्टि नहीं हुआ है, उसका मन का प्रॉब्लम क्या है? वो लोग का मन के क्यों अनर्थ रीति से, वो लोग का मन is actually kind of futile. Can someone read that verse in Hindi, that verse? If someone can read that one in Hindi, that begins verse 70. इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में चिताए देता हूँ, हाँ, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं. अन्य जाति लोग कैसा जीते हैं? अपने मन की अनर्थ, अपने मन के अनर्थ के जैसा जीता है. मतलब क्या है उसका अर्थ क्या है? जो मन को फ्यूटाइल बोलते हैं उसको अर्थ नहीं है. हम जाके उन लोगों का मन को हम देखेंगे, जीने का मकसद क्या है? ऐसा जीता. वो मन को कुछ मसीह में आने के बाद एक व्यक्ति को मन को क्या होता है? मैं मसीह के लिए जीता हूं, मेरा जिंदगी के एक मकसद है, और उसका कुछ एम नहीं है, इसे फ्यूटाइल. उन्होंने सबसे पहले मन के बारे में बात किया. जो मन के बारे में बात करने के क्या है, हम मन से बहुत मनन करते हैं, है ना? अभी आप और एक अन्य जाति साथ में बैठेंगे, उसी टाइम में क्या मनन करते हैं? आप और दोनों एक ही चीज के बारे में मनन करते हैं. वो जो बोलेगा वैसा मैं भी सोच रहा हूं, तो थोड़ा परेशानी. हमारा मन अलग है. मसीह के अंदर जो पुराना आदम का मन का जैसा नहीं है, वो सब चीज वही चीज के बारे में बात करते हैं, मनन करते हैं. जो नाश होएगा, वो दुनिया में जो अर्थ नहीं है, जो चीज वो लोग का अच्छा लगते हैं उसके बारे में, वो सच्चाई है, वो बुरा है नहीं, लेकिन वो चीज के बारे में सोचे, वो उसके लिए. अभी कभी हम कम मन में रख के बारे में बात करते हो, तो ऐसा फिलोसफी में हम देखे तो उसको क्वीन बात करते हैं, राजनीय. हमारा जिंदगी अब तो एक व्यक्ति का मन जो है वो राजनीय है. वो राजनीय क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमको और उसको उसके बारे में प्रकाशित देते हैं. डार्क इन देयर अंडरस्टैंडिंग, उसका मन को क्या प्रॉब्लम है? अंधेरा हो गया है, बुद्धि तो अंधेरा है. अभी आपने पूछेंगे, ब्रदर आपने क्या बात करते हैं? जो आज जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन लोगों को बुद्धि नहीं है क्या? हाँ, बुद्धि है उन लोगों को. फिर भी क्या प्रॉब्लम है? उन लोगों को बुद्धि क्या है? अभी आज जाके यीशु परमेश्वर के बारे में बात करें तो क्या है? आपने शायद देखा पेपर में पढ़ाई किया रहेगा, एक आदमी ने जाके कोर्ट से हरियाणा पे ऐसा किया, वो 31 करके एक सर्टिफिकेट मिला है. वापस कोर्ट क्या किया? वो बदली किया. हम लोग ऐसा दिया था, फिर वापस वो निकालते, वापस कभी देगा ऐसा बात करते. वो बहुत बुद्धिमान है. फिर बुद्धिमान करके वो कहते हैं मैं परमेश्वर नहीं है. इसलिए जो मन जो अंधकार में है, जो उसका जो मन क्या है, अनर्थ हो गया. वो अनर्थ हो गया मन को, अंधेरा भी हो गया. मैं उसके लिए ढूंढा नहीं हूं, ट्रांसलेशन में ऐसा किया, अनर्थ हो गया उसके बाद अंधेरा भी हो गया. और जो मसीह के अंदर नहीं है उसका मन क्या है? वो बहुत सारे पढ़ाई करेगी परमेश्वर के बारे में. हम एक टेस्ट देगा परमेश्वर के बारे में, 0 मार्क मिले. वो मार्क्स में ज्यादा करेंगे, इंजीनियरिंग में बहुत करेंगे, मेडिसिन में अच्छा करेंगे,
फिर परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हो तो हम बोले जाके बोलेंगे ये ऐसा कह रहे हो तो परमेश्वर के दंड मिलेगा, क्या बात करते हैं? छोड़ना, अभी आपने जो बात करो किसी के बुद्धि अनछान है परमेश्वर से, वो बहुत बुद्धि से काम करते हैं फिर भी कोई परमेश्वर के ज्ञान से नहीं करते, डार्क इन देयर अंडरस्टैंडिंग, द क्यून एंड द डॉटर्स ऑफ द क्यून ऑल्सो वर, और आत्मी का बेटा भी क्या है अंधेरा पे, अपने मन में जो व्यक्ति अंधकार में जीते हैं वो बराबर कुछ चीज नहीं देखे है ना, किसी का जो मन जो अंधकार में जो चीज सच्ची पे देखना है वो ऐसा बात करेंगे वो तकलीफ आएगा, एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर में देखेंगे, अधर्मी व्यक्ति क्या करेंगे वो शायद जाके किसी ज्योतिष के बाद जाके बोले मेरा हाथ तेरा देखो क्या प्रॉब्लम है, मेरा हाथ का लाइन तो बराबर नहीं है ना, इसलिए क्या है और क्या है, जैसा जो जाके साथ में जो पक्षी बैठता है ना उसको क्या बोलू, पक्षी बैठता है ना वो तोता बैठा है ना, उसके साथ क्या करेंगे, वो एक पत्र लेके आएगा, वो लेके आएगा वो हाँ, और उसके बाद वो प्रार्थना करने के लिए किधर जाएगा, बोले एक जाड़ है, जाड़ के नीचे जाके आप देखो कितना मनुष्य बुद्धिमान हो गया तो भी वो सच्ची परमेश्वर कौन है वो जाने के लिए उसका मन नहीं है, डार्क इन देयर अंडरस्टैंडिंग, अंधेरा अनंत, उसका जो मन अनंत हो गया, उसका अंधेरा बुद्धि जो अंधेरा हो गया, उसके बाद आगे हम देखते हैं और क्या है उनका जिंदगी ऐसा है, दे कंडक्ट देयर लाइफ, वो लोगों को जिंदगी ऐसा जीते हैं जो अनजान से अनंत से ऐसा जीते हैं, डार्क इन देयर अंडरस्टैंडिंग। तीसरा जो पॉल इधर सात चीज बात करते हैं जो मसीह में आने के पहले वैसा था, सात चीज के बारे में पॉल इधर बात करते हैं, हम देखेंगे दो चीज देखा, सबसे पहले अनंत हो गया वो लोग का दीदी से उसका मन और अंधेरा हो गया, तीसरा क्या है उधर वो आगे हम देखते हैं डार्कन इन देयर अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा क्या है कैन यू लुक एट दैट, वे परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से दूर है, जो परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से क्या है वो दूर है। भाई बाइबल में तीन प्रकार के जीवन के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले एनिमल को जीवन है वो भी परमेश्वर से मिला है, और मनुष्य का जीवन है वो भी परमेश्वर से मिला है, और आनंद काल का जीवन है वो भी परमेश्वर से मिला है ना, तीन प्रकार का जीवन है हमारे लिए। एनिमल का जीवन कैसा है, जो जानवर का हो जिएगा और मर जाएगा बस, और हमारा जिंदगी कैसा है, जो साधारण जिंदगी कैसा है, ऐसा जिएगा मर जाएगा, फिर परमेश्वर से जो मिला हुआ सच्ची जीवन, अभी हम थोड़ा पीछे देखेंगे, जो व्यक्ति का मन तो अनंत हो गया, जो मनी व्यक्ति का जो मन अंधेरा हो गया उसको क्या होता है परमेश्वर का वचन जीवन जीवन से वो दूर है, वो सच्ची जीवन उसके अंदर नहीं है, मतलब उसको हम पूछेंगे आप जीते क्या, हाँ जीता हूं, क्यों जीता हूं, ऐसा जीना है ना इसलिए जीता हूं, हम लोगों को बात कर रहे तो क्या बोलेंगे, हाँ मैं जीता हूं मसीह का जीवन से मैं जीता हूं, जो आदम से जो पैदा हुआ सबसे लोग क्या हुआ जीता है, अभी सिर्फ जो मसीह में आया उसको सच्ची जीवन है, सच्ची ज्ञान उसके अंदर है, उसका मन भी सच्ची रीति से काम करते हैं, जो मसीह में आया उसका जिंदगी क्या होता है परमेश्वर से जीवन से अलग हुआ है, देयर इज नो ट्रू लाइफ इन देम। हेलो, मैं आपको ये बात करते हैं जो व्यक्ति नया सृष्टि नहीं है उसके बारे में, आपके बारे में नहीं है, फिर भी आपको लगता है मैं आपके बारे में बात कर रहे हूं तो मन फिराना है, कम टू क्राइस्ट यू विल हैव अ लाइफ, कम टू क्राइस्ट योर माइंड विल बी एनलाइटेंड, कम टू क्राइस्ट यू विल हैव अ ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड, राइट, मसीह पे आ जाओ
ज्ञान मिलेगा, मसीह के अंदर आ जाओ, जिंदगी के लिए मकसद मिलेगा, नहीं तो कुछ मकसद नहीं है। और आगे, और परमेश्वर से कल परमेश्वर का जीवन से अलग हुआ है और उतना भी नहीं है, उनको हम उनका दिल को देखेंगे, है ना, मन को देखा, जिंदगी के बारे में देखा, उनका अंडरस्टैंडिंग समझ के बारे में देखा, और उनका दिल कैसा है, क्योंकि वे अबोध है, निर्बुद्धि है ना। अभी पहले हम बात किया उन लोगों निर्बुद्धि है, तो मतलब क्या है, बुद्धि नहीं है क्या उन लोगों को? आज अभी सीबीएसई का रिजल्ट हो गया है ना, सीबीएसई का रिजल्ट में मैं देखा कौन कौन ऐसा सबसे टॉप पे आया, कौन आया था, कोई विश्वासी नहीं है, बुद्धि नहीं है क्या? हाँ बुद्धि है, फिर भी सच्ची बुद्धि नहीं है। हम जाके उन लोगों को बात करेंगे, परमेश्वर अभी आप उसको पूछेंगे, आप कैसा पढ़ाई किया, मैं ऐसा पढ़ाई किया और बहुत मैंने मेहनत किया बोलेगा ना, वो कोई नहीं ऐसा बोलेगा, मैंने परमेश्वर ने मुझे क्या किया, मदद किया, इसीलिए मेरे लाइसन नहीं बोले, निर्बुद्धि। जो मसीह के अंदर नहीं है, बोले इसलिए बोला, देखो तुम भी तो जादी लोग है ना, अभी तक मसीह पे नहीं है, तुम ओडो के चांचलन के जैसा नहीं जीने का है। डोंट लिव लाइक जेंटाइल्स। हम लोग कैसा जीता है, आपका बाजू का जो व्यक्ति जीता है वैसा अभी जीते क्या? द पर्सन हु डू नॉट नो गॉड and the person know God, there is a change of thinking. There is a change of thinking. Because that's what the new life in Christ, मसीह के अंदर नया सृष्टि होने के बाद मन में, सोच में, बुद्धि में सब अलग होता है। और आगे हम देखेंगे उसका दिल क्या है, मन को कैसा हुआ, कठोरा हो गया ना, कठोर मतलब क्या है, जो मन हार्डनेस ऑफ कार्ड, वो क्या है, ये जो ऐसा हो गया, हम लोग देखते हैं कि एक परसीव पे नहीं तो उसका मन क्या है, सबसे पहले उसका दिमाग का प्रॉब्लम है, मन का प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका अंडरस्टैंडिंग समझ में प्रॉब्लम है, उसका बुद्धि का प्रॉब्लम है, अभी तो उसका दिल को भी क्या है, उसका दिल को क्या कठोर हो गया, मतलब जो दिल किसी का कठोर है तो जो चीज हम देखना है, दिल अब किसी को बोलते हैं उसका दिल कठोरा है करके, इतना कठोरा है ना, कठोर, इतना कठोर है क्यों? Because their heart is not changed by God. That's what the Bible says. When you come to Christ, अभी अगर आप मसीह पे आएंगे तो I will give you a new heart, right? And not a heart of stone, but a fleshly heart, right? मैं आप मसीह पे आएगा आपको क्या मिलेगा, एक नया दिल, हार्ट ऑफ यू नो सॉफ्ट हार्ट। कभी लगता है, कभी परमेश्वर का वचन सुने तो क्या है, कितना बार बोलेंगे तो भी क्या है, वो दिल तो किसका कठोरा है, कठोर है तो वो पत्थर का समान, कितना पत्थर को हम कितना मारेंगे तो क्या करेंगे, पत्थर का समान रहेंगे ना। अभी जो परमेश्वर के वचन आवाज सुने, कितना आवाज सुनेगा तो भी क्या है, क्या देयर इज नो सॉफ्टनेस इन द हार्ट, दे लिव इन द हार्ड हार्टन वे। ऐसा जीता है वो किसी को कुछ, अभी क्या एक व्यक्ति जो क्या है, एक बार एक व्यक्ति को मारा और दूसरा बार मारा, तीसरा बार मारा, कुछ लगता है नहीं है क्या, नहीं है। आपको मालूम है मैंने जाके जो क्रिमिनल से बात किया है, आई नो सम ऑफ द पीपल, आई नो आई टॉक टू दोस पीपल, आपको कुछ लगता नहीं, क्या लगता है, मैं किसी को मारा ऐसा मारा ना, देयर इज नो फीलिंग फॉर यू, आई डोंट फील एनीथिंग, मेरे को कुछ नहीं लगता नहीं है, वो कुछ भी बोले। और एक आदमी को क्या है, उसको वो क्या है? वो एक जो दिल जो सॉफ्ट वाला है उसको क्या बोलेंगे, उसका बोलने में थोड़ा फर्क है, उसका जो समझ में थोड़ा फर्क है, उसका डीलिंग में थोड़ा फर्क है,
और किसी का भी जो कभी दुख देखे तो कम से कम उसका दुख दिल में क्या होएगा? एक आदमी जो रोता है उसके साथ क्या है? हम लोग जाके हंसाए नहीं है ना, इन हार्ड हार्टेड मैन और एक व्यक्ति का दिल जो कठोरा है वो क्या करेंगे? जाके एक व्यक्ति रोता है उसको क्या करेंगे और एक बार लात मार के हम जाएंगे? ऐसा नहीं करें। बट दिस इज नॉट द लाइफ ऑफ अ बिलीवर। बिलीवर का जो जिंदगी वैसा है, कभी तकलीफ में कोई देखता और दिल को हार्ड नहीं है, उसके बाद क्या है, उतना होने के बावजूद भी और आगे है, इतना नहीं होगा। और अभी अभी बोला उसका मन जो अनंत हो गया, अंधेरा हो गया, अनचान हो गया, उसका परमेश्वर का जो उसका बुद्धि निर्बुद्धि हो गया और परमेश्वर का जीवन से अलग है, जीवित जीता भी नहीं है और उतने के और उसका दिल को भी कठोर हो गया और आगे क्या है? They become callous in their heart. Callous, एक callous का मतलब क्या है? उसका सूख हो गया, मतलब जो क्या है उसका वो सूख गया, जो चीज सूख गया तो क्या है? अभी क्या है, कभी कभी लोग का जो जिंदगी में ना अभी अभी सुन्न हो गया, उसका मतलब क्या है? इनसेंसिटी। और कालोस का मतलब वही है, मतलब जो दिल जो कठोर हो गया वो इनसेंसिटिव, उसको कुछ सेंसिटिविटी नहीं है। अभी क्या है, ज्यादा हम अभी क्या है, कोई परेशानी आएगा, हमारा वेन को ब्लॉक हो गया, उसका हमारे शरीर में कुछ टच करे तो क्या नहीं, कुछ फील नहीं होगा ना। अभी काम ज्यादा करके यही इसका ये जो पिक्चर ऐसा ही आते हैं, क्या मालूम है, बहुत हमारा जो काम करने करके करके हमारा हाथ को क्या हुआ, बहुत ऐसा सुख हो गया, सुन हो गया के बाद वो ऐसा आता है, टच करे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। दिस बिकम अ बिगरी खादोस होकर। अभी क्या देखो उसका जिंदगी कैसा था, उसका मन का प्रॉब्लम है, अनंत हो गया, उसका दिमाग अंधेरे हो गया, उसका जो क्या है परमेश्वर से अलग है और हार्ड, उसका दिल भी बहुत हार्ड हो गया और परमेश्वर के जिंदगी से कोई सामने नहीं है और सुन्न हो गया। मगर जो व्यक्ति मसीह पे आया, मैंने ऐसा शुरू किया था, पॉल ने बात किया, जो सुसमाचार सुनेगा वो व्यक्ति के जिंदगी में परमेश्वर ये वैसा नहीं है। It is not like a person who actually come to the Lord. जो व्यक्ति मसीह पे आया वो सुसमाचार सुनाया, उसका मन को परमेश्वर ने क्या किया, सौंप किया। कभी परमेश्वर का वचन बात करें तो क्या होता है, जो व्यक्ति सुन हो गया उसको क्या है, क्या है पास्टर कुछ बड़बड़ते रहते हैं ऐसा, परमेश्वर अब वचन पढ़ाई करने रहते कुछ लगता नहीं है, क्या नहीं है, कुछ लगता नहीं है ऐसा। That is actually the life of a Gentile, a person who know not God. नया सृष्टि नहीं हुआ है उसका जिंदगी और वो सुन हुए उतना भी नहीं है और आगे क्या है वो लोग देखेंगे, given to sensuality, right? उसका लुचपन में क्या हुआ ऐसा, जग वो लोग का जिंदगी कैसा है, ए लुचपन में उसको कितने को वो जीता है, सिर्फ ऐसा जो वादे ने उधर इस्तेमाल किया है, सिर्फ उसका जिंदगी पूरा सेक्स के लिए जीता है। His life is completely living for what? Sexuality. और प्लेजर, कोई सिर्फ मैं क्यों जीता हूं, मेरे को क्या है, मेरे को कुछ, मेरा खुशी के लिए, मैं खुशी के लिए कुछ भी करें, दिल कठोरा है वो दूसरा किसी का वो दर्द को नहीं देखने वाला है, दूसरा किसी का तकलीफ को नहीं देखेंगे, उसका उसका क्या है, उसका जिंदगी कैसा था, सबसे पहले बोला सुन्न हो गया था ना, किसको भी कुछ तकलीफ होने दो, उसका जिंदगी कैसा है अभी, कुछ भी लुचपन में, दैट इज द वर्ड राइट, लुचपन में
It is a lustful. It is a kind of sensuality. मेरा सेंस को मेरा जो पांच सेंस है उसको क्यों अच्छा लगे देखने में क्या अच्छा है और कुछ एथिक्स वगैरह नहीं है उसमें मैं देखने में कुछ करेंगे खाने में भी कुछ करेंगे कुछ करते भी कुछ भी करेंगे मेरे को लगता नहीं है और उसके आगे बहुत है उसके लास्ट में सातवां उसका सातवां कारण थोड़ा ऐसा बोला है greedy for every kind of impurity uska ant mein kya hai sab prakar ka ganda kaam karne ke liye apne aap ko de diya it's like a person who actually the mind uska man ko kya hua anarth ho gaya andhera ho gaya anchan ho gaya aur aage parmeshwar se wife se dur ho gaya और उसका सुन हो गया लुसपन में उसका जिंदगी ऐसा गुजरते हैं आखिरी में सब कुछ गंदा काम करने में अपने आप को दे दिया कुछ एथिक्स नहीं है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे मैं ऐसा शुरू किया था जो व्यक्ति मसीह पे आने के पहले वैसा था आज हम प्रभु को धन्यवाद करने का एक ही कारण है हमारे जिंदगी वैसा था परमेश्वर ने क्या किया नया बनाया मेरा दिल को क्या किया He changed my mind, right? मेरा मन को बदली किया मेरे को बुद्धि दिया ज्ञान दिया मेरा दिल को क्या किया कठोर था उसको नरम बनाया right? और become a kind of flesh, right? It was a, that's what the new covenant says this. I will give you a new heart. Make naya dil. I will give you a new heart. Not a heart of stone, but a heart of flesh. मैं आपको नया दिल देंगे. वो पत्थर का जैसे सामान नहीं है. और क्या है? मास्क का. लगता है उसको. अपने जो अभी अभी आपने जो जाके किसी के साथ जो ज्यादा पाप करते उसको पूछेंगे अरे आपको कुछ लगता है नहीं नहीं मेरे को कुछ लगता नहीं है मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है जो एक गंदा काम करने में ले आपको ये कुछ ये नहीं है क्या ये कितना गंदा करने के लिए तुमको ऐसा देखो क्या है ये जो किसका क्रिमिनल के बारे में बात नहीं करते पोल जो बात करते जो व्यक्ति मसीह पे नहीं है इसलिए बोला तुम लोग वैसा नहीं Don't live. No longer you conduct your life. आपकी जिंदगी वैसे नहीं जीने का आप मुझे यही सवाल अभी पूछेंगे फिर कैसा जीना है और आगे Yeah, we have 15 minutes more. We can get a little more further. These are the seven characteristics of a person who is actually not changed by gospel. ये जो सात चीज है जो सुसमाचार से उसको जिंदगी क्या कुछ नहीं किया चेंज नहीं किया सुसमाचार अभी इधर एक चीज थोड़ा हम देखना है कभी कभी लोग बोलते हैं मेरे को फ्री विल है क्या है मेरे को स्वतंत्र इच्छा है इधर क्या इच्छा के बारे में बात किया है उसका मन ऐसा है उसका दिल ऐसा है उसका बुद्धि भी ऐसा है वो कुछ उधर स्वतंत्र इच्छा के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया जो आदम से उसको पुराना जिंदगी आदम से जो मिला उसमें पाप करने का इच्छा है सिर्फ परमेश्वर का कृपा उसको बदल कर सकता है जो मन अंधेरा है जो दिल कठोरा है जो बुद्धि जो परमेश्वर से दूर है किसको परमेश्वर का जीवन दे सकता है सिर्फ परमेश्वर को जीवन दे सकता है मेरा लुचपन जिंदगी में कौन मुझे उधर से बचाएगा सिर्फ परमेश्वर को मैं जो गंदा काम करने में इतना अच्छा करता था अभी आपने सोचो पगले आप मसीह में आने के पगले जो गंदा करने के लिए आप में खुशी था ना हाँ यस और अभी कैसा है इधर हम सोचना है एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद ऐसा जी सकते हैं क्या मेरे को लगते है पॉल बात करते हैं एफिशियन के किताब में लोग को बात एफिशियन लोग आप सोचो तुम लोग वैसा था कोई भी शायद वैसा कलीसिया पे रहेगा
इसलिए परमेश्वर में कलीसिया में पासवान लोगों को और प्रसिद्ध लोगों को रखा है ताकि वो लोग परमेश्वर का वचन बार बार उन लोगों को बात करके वो लोग मसीह के देह को बढ़ोतरी कर सकता है. Now verse 19, Paul says something beautiful. It's 20, right? Just read that. तो तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई. हाँ, इधर जो पॉल हमको यही बात किया, तुम लोग है ना मसीह से ऐसा शिक्षा नहीं पाया. मतलब कुछ शिक्षा के मतलब क्या है, जो मसीह में तुम लोग ऐसा, जो आप देखो मसीह का मन कैसा था, उसका मन वाणिज्य के लिए नहीं जीता था, राइट. उसका जो मन अनंत नहीं था, उसका जो अंडरस्टैंडिंग जो अंतरा नहीं था. यीशु मसीह का जो वो खुद परमेश्वर का जीवन था, राइट. आई एम द वन हु गिव्स यू लाइफ. उसने क्या किया, उसका दिल कितना सोप था ना, आपने जो मसीह से आपने देखा मसीह के साथ. बाइबल कहता है हर एक विश्वासी लोग मसीह के जैसा होना है. मुझे से सीखने के लिए परमेश्वर यीशु ने बोला, क्यों ऐसा बोला, पुराना आदम हमारा आदत हाई था, नया आदम में हम मसीह में नया बनाया, इसलिए हम जो सीखना है मसीह से सीखना है. देखो इसलिए हम बार बार जो सुसमाचार पढ़ने के टाइम में मसीह वैसा करता था, मसीह ऐसा बात करता था, मेरा जिंदगी मसीह के जैसा जीना है. यू हैव नॉट लर्नड द वे लाइक आप लोगों ने मसीह से ऐसा सीख, आप लोग पकड़े कैसा, अभी आपको किसने सिखाया था वैसा जीने के लिए, कुछ सीखने का जरूरत नहीं था, पुराना आदम का आदत वैसा ही था. इसलिए मसीह में नया सृष्टि होने के बावजूद मसीह से हम सीखते हैं. वी आर एक्चुअली लर्निंग एवरी डे. यू आर नॉट सपोज टू लर्न लाइक व्हाट, मसीह से हमको क्या किया. ओके, अभी इसके लिए थोड़ा हम बाइबल के वो दो तीन वचन हम देखेंगे. मत्ती का किताब उसका 9 का 13 वचन, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 30. उधर एक शब्द इस्तेमाल किया है लैंड, और दैट्स अ डिफरेंट वर्ड देयर. उधर एक शब्द इस्तेमाल किया है बाबू लैंड. मत्ती 9 का 13. सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो. सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं. उधर सीख लो बोला ना यीशु ने, बोला सीख लो, तुम जाके सीख लो. किसमें से सीखने का है, मसीह से. वही वचन है. इट्स एक्चुअली द वर्ड देयर यूज दैट सीख और स्टडी करो, मनन करो और बार बार सोचो, मसीह से सीखना है. और मत्ती का किताब 11 का 29, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो. मैं कितना, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन, मैं मन में दीन हो. इसलिए मसीह से सीखना है, हम मसीह से और सीखना है. और रोज में इसलिए बाइबल कहते हैं हम कितने बार मसीह को देखेंगे हम उसी के समान बदल जाएंगे. When we are actually looking at Christ, we are actually, you know, transformed into the same glory. We are actually, कितने बार मसीह को आप देखेंगे मसीह के जैसा बदल जाएंगे. You learn more of Christ, so you turn like Christ. It is actually the Spirit of God does. अभी पवित्र आत्मा वही काम करते हैं जो हम मसीह को देखेंगे और देखेंगे हम परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको क्या करेंगे, मसीह के जैसा हमको बदल जाए. आपने भाई मसीह पे आया कितना साल हो गया, अपने आप को मसीह के सामने जाके देखना है मैं कितना मसीह के जैसा हो गया. डोंट कंपेयर विथ योर बिलीवर्स और योर पास्टर्स और एल्डर्स. आप कितना, मेरा डीलिंग में, मेरा सोच में,
मैं मसीह के जैसा बदल होना है, बदली करना है मेरा जिंदगी. I should be becoming more like Christ. तुम लोग पहले ऐसा नहीं, जो ऐसा नहीं है मसीह से तुम लोग ऐसा नहीं सीखा ना. और आगे थोड़ा पॉल हमको और बात करते हैं एफिशिएंस की किताब में, और एक वचन यूहन्ना की किताब 6:45 यूहन्ना का किताब चैप्टर 6:45 यूहन्ना का किताब उसका 6:45 भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए हैं. ये किसने सिखा है हमको? परमेश्वर. अभी परमेश्वर खुद हमको सिखाएंगे, इसलिए मैं बोला किसी के बाप क्या नहीं है, फ्री विल नहीं है. जो किसी को परमेश्वर उसका इच्छा के अनुसार सिखाएंगे वो मसीह के जैसा हो जाएंगे. दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड लाइक क्राइस्ट. इज क्राइस्ट टीचिंग, इज गॉड टीचिंग, ही इज द स्पिरिट ऑफ गॉड टीचर्स. आपने अभी तक पवित्र आत्मा ने सीखा, देखो Look at my son. This is my beloved son, in whom I am well pleased. ये मेरा बेटे को देखो, उसमें you actually look at him. He is the sacrifice for your sin. अब मुझे मेरा बेटे पे ऊपर देखो. He is the sacrifice for your sin. It is actually God who teaches. मेरा बेटे के ऊपर देखो, तुम्हारे सारे पाप का बोझ उसने उठाया. देखो. It is actually taught by the Christ. It is actually God actually teaches you that. कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए हम ऐसा भी बात करते हैं, हम किसी को भी convert नहीं करते. We are not converting anyone. हम किसी को भी convert नहीं करते, सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है. जो किसी को लड़ाई करना है, किसी के साथ लड़ाई करने का है, परमेश्वर के साथ लड़ाई करना है. We don't convert anyone. It is a work of God. और आगे हम देखेंगे, अभी तक हम देखा है जो सात चीज है जो परमेश्वर से नहीं है उसका जिंदगी कैसा है. जो मसीह में आने के बाद मसीह से हम सीखना है, कैसा सीखना है, मसीह कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका आदत कैसा है, वो परमेश्वर के लिए कैसा प्रार्थना किया. हम प्रार्थना भी परमेश्वर के जैसा प्रार्थना करना है. श्रोता आपका इच्छा है, फिर ईश्वर को मानता परमेश्वर का इच्छा सबसे अच्छा है. नॉट माई विल इज एक्चुअली गुड, राइट. हम लोग सोचे प्रभु ऐसा करे तो अच्छा है, उसका अंध हमको मालूम नहीं है, पर ईश्वर परमेश्वर को मालूम है. प्रभु आप ऐसा करे तो जो चीज आपको अभी तक नहीं मिला, जो चीज अभी तक प्रार्थना में परमेश्वर ने बोला नहीं देगा, अच्छा है. बिकॉज हिज विल इज बेस्ट फॉर मी, राइट. उसका दिल और उसका इच्छा मेरे लिए अच्छा है. और आगे हम देखेंगे थोड़ा, देखिए अभी तक हम उसका वचन अभी खत्म करेंगे और एक देखेंगे उसने बोला था वो 20वां वचन में कैसा लिखा है. But that is not the way you learn Christ. उधर एक ऐसा आप लोग अभी तक मसीह के जैसा ऐसा नहीं पढ़ाई किया. उसका 21 में लिखा है, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी, उसी में सुनी है, और जैसा यीशु में सत्य है, हाँ, उसी में सिखाया भी गया. देख, तब आपकी जो कोई व्यक्ति को विश्वास कैसा आता है, सुनने के बाद. The faith comes by hearing, hearing of God's word, right? किसी व्यक्ति परमेश्वर के बारे में सुना, उसके बाद सिखाया, और वो सच्चाई है मसीह के अंदर. जो सच्चाई है मसीह सच्चा है, और मसीह के अंदर जो सच्चाई है वो सब चीज में वो विश्वास करेगा. और आगे हम क्या करूं, हम क्या करूं, बोल भाई अभी तो आपने इतना बात किया मसीह के अंदर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत है मेरा, क्या करूं. इसलिए पॉल ने कहा है 22वां वचन, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो
वरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता आ जाता है, उतार डालो। उतार करने का है, क्या करने का है? उतार डालो। क्या हम उतार करते है? कपड़ा है ना, कभी कभी हमारा कपड़ा जो गंदा होएगा हम क्या करेंगे? उतारेंगे और वापस वॉश करेंगे, उसके बाद डालेंगे ना। इधर ऐसा वह शब्द इस्तेमाल किया है जो कभी ब्रदर आपने जो बोला है, मेरे को लगता है मेरा जिंदगी में थोड़ा ऐसा है, अभी तक मेरा दिल जो क्या है कठोर है अभी तक इतना मेरे को लगता है, और मेरा जो कभी कभी मैं जीतता हूं जो मेरा जो लगता है मेरा जिंदगी अभी तक यीशु मसीह के साथ वो जो चीज को क्रूसीफाई नहीं किया, मेरा मुंह और मेरा सोच और मेरा चांचरण और मेरा अभिलाष और मेरा अभी तक इससे नहीं है, सिर्फ उतारो। क्या करने के लिए बोला? उतारो। जो जो गंदा काम करने के लिए अभी भी मेरा अंदर जो अभिलाष है वो क्या करने का है? उतारो, पुटो। अभी ये चीज मन में रखना है, कभी जो व्यक्ति यीशु मसीह पे आया उसका जिंदगी में जो अपने आप को क्रूसीफाई करने के लिए नहीं होते तो वो मसीह पे नहीं है। इफ अ पर्सन इज एक्चुअली कमिंग टू क्राइस्ट, ही इज नॉट क्रूसीफाइंग एंड नॉट क्रूसीफाइंग इज ओल्ड वे, स्टिल लिविंग द सेम वे, यू आर नॉट इन क्राइस्ट। अगर आपने अभी तक मसीह पे आया, मेरा पुराना जिंदगी मेरा आज का जिंदगी कुछ फर्क नहीं, तो मैं आपको यही बात करता हूं, आप मसीह पे नहीं है। यस, पर मैं क्या करूं? मसीह के साथ जाना है। मसीह, अभी तक मेरे को लगता है मेरा जीवन आपके जुड़वा नहीं हुआ है, मेरा मन और मेरा सोच मेरा लुचपन अभी तक मेरा इच्छा जो अभिलाष के पीछे मैं सेंसुअलिटी के लिए जीता हूं, प्लीज हेल्प मी लॉर्ड। प्रभु को कर सकता है, ओनली गॉड कैन हेल्प, सिर्फ परमेश्वर को आपको बदल कर सकता है। ऐसा वो पॉल ऐसा इधर जो पॉल ऐसा नहीं बात करते, सोचो ऐसा करो ऐसा नहीं है, इसे कमांड पुट ऑफ, उतारो। सोचो उतारने के बाद नहीं है, यू चेंज पुट ऑफ योर ओल्ड नेचर। और ओल्ड मैन किधर है? जो आदम से आया ना, जो आदम से पहला आदम से आपको मिला हुआ वो, उसको क्या करना है? उतारो। क्या करने का है? पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ which belongs to your former manner of life, is corrupt, deceitful desire. अभी तक आपको धोखा देने वाला इच्छा है उसके अंदर, वो कोई भी चीज आपको अच्छा नहीं करते, धोखा देते। आप सोचना है ये जो मेरा अभिलाष है, ये अभिलाष परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है क्या, और ये मेरा पुराना आदत का जैसा है क्या? और मैं उतरा, क्या किया? उतरने के बाद कुछ भी पहना है ना, है ना? सिले पॉल ऐसा हमको कहते हैं 23, कैन यू जस्ट रीड वर्स 23? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारा मन का आत्मिक स्वभाव में नया बनाने का है, जो पवित्र आत्मा का काम है। हमारा मन को क्या करना है? बदली करना है, हमारा मन को बदली करना, वो पवित्र आत्मा का काम है। He actually renews your mind. हमारा मन को क्या होता है? बदली करते हैं। और मन को बदली होने के बाद पुट ऑन, राइट, उसका 24 में, और नए मनुष्य को पहन, नया मनुष्य को, पुराना मनुष्य को उतारो, नया मनुष्य को पहन लो। वो नया मनुष्य का आदत कैसा है? जो परमेश्वर के अनुसार, वो जो परमेश्वर के अनुसार बनाया है, वो सत्य की धार्मिकता, सत्य में भी और धार्मिकता में और पवित्रता में सृजन, वो तीन चीज है।
true righteousness and holiness. Satya dharmikata pe aur pavitrata. Jo vyakti masih pe aaya, uske jindagi mein sachchai nahi to aur pavitra nahi hoega to aur masih pe nahi hai. Jo masih ke aaya hua vyakti kya hai, wo naya srishti ban gaya hai. Kaisa? अभी ऐसा लिखा है, न्यू सेल्फ, नया सृष्टि है, वो क्रिएटेड आफ्टर द लाइकनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के जैसा बनाया हुआ नया सृष्टि हो गया है. इट इज लाइक जीसस. आदम ने, आदम को परमेश्वर ने उसका सादृश्य और स्वभाव में बनाया था. आदम पाप किया, वो गया वापस नया आदम में, यीशु मसीह पे वापस हमको बनाते हैं सुसमाचार के द्वारा एक नया सृष्टि. इसलिए हम ऐसा कहते हैं, जो व्यक्ति सुसमाचार सुनेंगे वो नया सृष्टि होएगा, उसका जिंदगी में फर्क होएगा और उसको ओपन में क्या पहन करते हैं, पुराना आदमी को उतारते और नया मनुष्य को क्या होता है, अपने नया मनुष्य है क्या पुराना है. मेरे को लगता है कभी कभी हम बीच में बोलेंगे, देख मैं पुराना आदमी को वापस लेके आएगा. बाइबल कभी जगह पे ऐसा नहीं बोला. पुराना आदमी को रखो, थोड़ा टाइम को तुमको पुराना आदत करना है, इसलिए पुराना आदत आदमी को थोड़ा सामने रखना है. नहीं, जो नया सृष्टि हुआ वो नया मनुष्य को, नया मनुष्य का आदत कैसा है, मसीह का जैसा है. मैं जो करूं मसीह के जैसा करना है, वो सच्ची सच्ची धार्मिक दाम, पवित्र दाम. जो व्यक्ति मसीह पे आया उसका जिंदगी में पवित्रता के लिए स्थान नहीं, तो सच्ची जिंदगी नहीं जिए तो वो मसीह पे नहीं है. मैं आपको यही विनती करता हूं आज. लेट्स रीड वन मोर वर्स देन वी विल फिनिश इट ऑफ. लुक एट लूक चैप्टर 1 वर्स 74 एंड 75. लूक का किताब पहला अध्याय 74 और 75. लूक का किताब पहला अध्याय 74 और 75. वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन पर निडर रहकर उसकी सेवा करते हैं. ये जो यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवक्ता है, नया नियम के बात करते हैं, वो हमें क्या करेंगे, परमेश्वर को सेवा करने के लिए सच्ची धार्मिकता में और पवित्रता में जिएंगे. जो मतलब हम ऐसा बात करते हैं, मसीह पे आया तो हाँ, मैं मसीह को मेरा जिंदगी मालूम है. लोग ऐसा मुझे बात करेंगे, पास्टर मेरा जिंदगी मसीह के सामने अच्छा है. ऐसा नहीं है. आप मसीह के साथ अच्छा है तो बाकी विश्वासी लोगों के साथ भी क्या है, वैसा ही होना जरूरी है. मैं ऑफिस में मेरा पुराना जिंदगी के जैसा जीता हूं, मेरा घर पे मैं चर्च में आने के टाइम में नया मनुष्य को पहन के आएंगे और चर्च में जाने के बाद नया मनुष्य को इधर छोड़ के मैं भाई कब तक पुराना मनुष्य के अनुसार जिएंगे. वापस मैं चर्च में आने के पहले वो ऐसा नहीं है. एक बार जो व्यक्ति मनुष्य पे आया, द गॉस्पल चेंजेस योर एंटायर थिंकिंग, द गॉस्पल चेंजेस योर होल लाइफ, द गॉस्पल is become part of your life, you become a part of a new creation in Christ. अब जो अगर मसीह पे आया तो आपका जिंदगी बोल सकते हैं, लोग आपको बताएंगे, तुम्हारा सोच में, तुम्हारा बात में, तुम्हारा दिल में, तुम्हारा जो विचार में थोड़ा फर्क है. It start from your wife, it start from your children, it start from the co-workers you have. It actually tells about your believers and fellow believers tells about you. Brother, you become more like Christ. आज हम इसलिए आया है, एक दूसरे को
और मदद करने के लिए मसीह के जैसा वो भी बहनो, मसीह के जैसा वो भी हो लो। वो देखा कभी एक व्यक्ति के ऊपर थोड़ा ऐसा हो गया, जाके बात करना है, ब्रदर और सिस्टर देख तुम्हारा जो मेरे को लगता है पुराना आदम का आदत अभी भी है वो छोड़ने का है, उत्साहित करने का है। Let us conclude now with one question. Am I a new creation or am I a old creation? अभी तक मैं पुराना सृष्टि है, एक नया सृष्टि है। नया सृष्टि है तो और मसीह के जैसा होना है, पुराना सृष्टि है तो मसीह पे आके नया सृष्टि होने का है। ये वचन से प्रभु हमको आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करता हूँ साइमन कैनेडी से। पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए बार बार अगर हम कुछ भी आज समझ पाते हैं, अगर आज अगर हमें हमारा चेहरा दिखता है तो सिर्फ इसलिए है कि तेरा वचन हमें क्या है अंदर से वो दिखाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु के तेरा वचन पूरी तरह से हमारे लिए परिपूर्ण है। और जो तेरे बेटे ने क्रूस पर किया वो हमारे लिए हर तरीके से पूरा है। तेरी आत्मा में हमें शक्ति दे प्रभु कि हम बार बार सीखे तेरा बेटा क्या है, तू क्या है। हम बार बार ये समझे और हमारी बुद्धि बार बार इसी चीज में बढ़े कि अगर हम नए जन्मे हैं तो हमें किस तरह से जीना चाहिए। बार बार परमेश्वर हमारी मूर्खता से हमें बाहर निकाले और बार बार तेरे वचन के प्रति हमारा प्रेम, तेरे वादों के प्रति, तेरे वाचाओं के प्रति और जो तेरे न्याय में लिखा हुआ है उसके प्रति हमारे बुद्धि को बढ़ा पड़े ताकि हल्की सी भी चीज में जब हम तेरे वचन से अलग हो जाए हमारी अंतरात्मा हमसे कहे कि हम तेरे वचन से दूर जा रहे हैं, तो ये कब भी थोड़े से भी हमारा मन तुझसे दूर भटके, तेरे वचन से दूर भटके, अगर हमारा का हाथ ऐसा कोई भी कार्य करता है जो तेरे वचन के खिलाफ है हमारे मन को प्रभु ऐसा बना कि हम इसे समझ सके। हमारा मन बहुत बार प्रभु एक पाप को जमा करने के लिए बन जाता है, एक के बाद एक हम समझ नहीं पाते हम कितना जमा कर लेते हैं। पापियों का मन नासूर हो जाता है। हम मांगते हैं प्रभु हमारा मन उस तरह से ना हो। मेक आवर हार्ट्स सॉफ्ट लॉर्ड, मेक आवर माइंड्स ओपन फॉर योर वर्ड लॉर्ड। लेट इट नॉट बी ब्लाइंडेड, लेट नॉट बी हार्ड, नॉट टू बी टच्ड बाय योर वर्ड। Thank you for your word, Lord. And we pray, Master, that we behave, we work, our mind works as your new creation. Ek nayi srishti ki tarah kaam karne ke liye, Prabhu. Yes. Hamare mano ko, hamare hriday ko, hamare vichar ko, hamare shakti ko, इन सारे चीजों में लगा प्रभु। तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तेरे बेटे ने जो वचन दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जब हम प्रभु के मेज में जाएंगे फिर से प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे लिए, ये वचन हमारे लिए, तेरे बेटे का कार्य हमारे लिए,
और हम एक नए सृष्टि हैं ये समझकर इसमें भाग लेकर ये सब तेरे बेटे के नाम से हम मांगते हैं इसलिए तो सुन आमेन.